दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी है और सबसे मजबूत बड़ी कंपनी है, लेकिन इस समय प्राइस बहुत नीचे है। क्या आने वाले समय स्टॉक कमाल करेगा? यहाँ पे टाटा स्टील को लेकर कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ अच्छी रेटिंग भी मिली है रेटिंग एजेंसी की तरफ से, जो इशारा करिए कि यह स्टॉक कमाल कर सकता है। वैसे कंपनी आने वाले समय में अपने पूरे के पूरे बिजनेस को मर्ज करने जा रही है, यानी जो इनकी सब्सिडियरी सारी कंपनियां हैं वो टाटा स्टील में मर्ज हो जाएगी और उसके बाद में इसके बिजनेस में एक तेजी का दौर शुरू होगा। तो क्या इस समय टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से टाटा स्टील को अच्छे से हम एनालिस करेंगे। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स की बात करें तो कंपनी कल हमारे सामने रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी संभावना है। साथ में कंपनी 6 साल के बाद पहली बार फिर से डिविडेंड का ऐलान करेगी और ये बहुत अच्छी बात है। पिछले कई समय से कंपनी लगातार लॉस में थी, लेकिन अब कंपनी आ गई है प्रॉफिट में और बहुत जल्द कंपनी डेट फ्री भी होने वाले, सारा का सारा कर्ज चुका देगी कंपनी। तो क्या इस समय टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम टाटा पावर को डिस्कस करने वाले। टाटा पावर टाटा ग्रुप की सबसे शानदार कंपनी है जो आने वाले समय में बहुत बड़ा निवेश करने जा रही है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, यानी करीब 75,000 करोड़ का निवेश होगा। इसके अलावा 25,000 के करीब ईवी चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश किए जाएंगे अलग अलग इंडिया में। ये बहुत बड़ा विजन है और इस समय स्टॉक की प्राइस बहुत नीचे है, तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? एक कंपनी को और डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है और साथ में स्प्लिट भी देगी और ऑलरेडी पिछले एक साल में अच्छा रिटर्न भी दे चुके हैं, तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी 3 बजे के आसपास का टाइम है, टाटा स्टील का स्टॉक 108 पर है, जहाँ पे 0.73% की गिरावट है, थोड़ा सा दबाव देखने को मिला इस समय। यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से एक्सचेंज को जो लेटेस्ट जानकारी दी गई है उसमें उन्होंने कहा है कि हमने जो अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और उसकी अर्निंग डिस्कशन की जो टोटल डिटेल जानकारी है वो हमने वेबसाइट पर डाल दी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी की तरफ से कहा गया था कि 3 मई को इसके अर्निंग का डिस्कशन किया गया था और उसकी सारी जानकारी ऑलरेडी वेबसाइट पे। तो जो भी इन्वेस्टर जिन्होंने टाटा स्टील में निवेश किया हुआ है या फिर टाटा स्टील के बारे में जानकारी चाहते हैं वो अपनी उस टाटा स्टील की वेबसाइट पे जाके वो सारी की सारी डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकता है और इसी की जानकारी एक्सचेंज पे शेयर की गई है टाटा स्टील की तरफ से। अब यहाँ पे फिच रेटिंग की तरफ से टाटा स्टील के आउटलुक को पॉजिटिव करार दिया। इसके अलावा JSW के आउटलुक की बात करें तो यहाँ पे स्टेबल दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि JSW से भी अच्छी परफॉर्मेंस इस समय टाटा स्टील करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए तो टाटा स्टील को रेटिंग एजेंसी फिच ने BB+ की रेटिंग दी और उसका जो आउटलुक है उसको पॉजिटिव रखा है। इसके अलावा अगर आप JSW की बात करें तो उसकी रेटिंग को BB रखा है और आउटलुक स्टेबल रखा है। तो फिच रेटिंग के हिसाब से अगर दोनों को कंपेयर किया जाए JSW स्टील और टाटा स्टील को, तो टाटा स्टील इसमें बेहतर दिखाई दे रहा है इस लेवल पे और आने वाले समय में टाटा स्टील में एक तेजी का दौर जल्दी शुरू हो सकता है। फिच रेटिंग का कहना है कि इस समय EBITDA मार्जिन काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है टाटा स्टील की। इसके अलावा देखें तो क्रेडिट प्रोफाइल इंक्रीज हो रही है मार्जिनली और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो प्रॉफिट है वो कंपनी की काफ़ी रोबस्ट है और देख सकते हो कि रॉ मटेरियल का भी बेनिफिट देखने को मिल रहा है, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है कम रही उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है और जिस तरह से डोमेस्टिक मार्केट में इस समय प्रदर्शन कर रहा है टाटा स्टील, ये एक तरह से बेहतर परिणाम दिखाई दे रहा है और इसी वजह से देखें तो फिच रेटिंग काफ़ी ज़्यादा बुरी है इस समय टाटा स्टील को लेकर। और वैसे भी ब्रोकरेज हाउस की राय देखें तो सभी ब्रोकरेज हाउस इस समय बाय की कॉल दे रहे हैं टाटा स्टील में, एक लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेकर निवेश कर सकते हैं टाटा स्टील में। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 78% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 292% का बंपर रिटर्न दिया है। एक तरह से ये मल्टीबैगर साबित हुआ, 25 रुपये के आसपास स्टॉक था कोविड काल में, उस हिसाब से देखें तो रिटर्न इसका बहुत ही शानदार है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से लगभग 7% ऑलरेडी वापस गिर चुका है। 3 मंथ के हिसाब से भी 0.32% की मामूली सी गिरावट है और 1 मंथ के हिसाब से 0.84% अपर है, 1 डे के हिसाब से 0.73% की गिरावट है। कुल मिला के देख सकते हो कि साल भर पहले जिसने निवेश किया उसको इस समय कोई खास प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय स्टॉक कमाल करेगा। आप देख सकते हो पिछले 3-4 साल की इसकी परफॉर्मेंस तो काफ़ी बेहतर है। 2019 में अगर देखें तो इनका रेवेन्यू 1,57,669 के बीच के आसपास था, जो 2023 में बढ़ के 2,43,353 को अभी तक पहुंच गया, जबरदस्त वृद्धि हुई है पिछले 5 साल में इनके रेवेन्यू में। प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में कंपनी का प्रॉफिट 10,218 के बीच के आसपास था, जो इस 2023 में 8,760 के बीच के आसपास है। तो प्रॉफिट जरूर कम हुआ है 2023 में, लेकिन अगर आप 2022 की बात करें इनका प्रॉफिट सीधा 40,154 के बीच के आसपास पहुंच गया था, लेकिन 2023 इनके लिए
कोई खास नहीं रहा। उसके पीछे वजह भी है कि ग्लोबल मार्केट ने साथ नहीं दिया और उस वजह से इनका बिजनेस आपको कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अब जल्दी ही तेजी का दौर शुरू होगा। तो टाटा स्टील में ये निवेश का बिल्कुल सही मौका है। चलते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। 511 पर स्टॉक है इस समय, 3:15 का टाइम है, 0.47% की तेजी देखने को मिल रही है। अब टाटा मोटर्स कल अपना रिजल्ट पेश करेगी और रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी संभावना है, और जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे कि रिजल्ट बेहतर रह सकता है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, वैसे ही रिजल्ट की संभावना बनती है, यानी पिछली बार काफ़ी शानदार रिजल्ट था। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि कंपनी की जो सप्लाई साइड है उसमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है, मॉडल इस बार काफ़ी अच्छे बिके हैं और इस वजह से इसका रिफ्लेक्ट देखने को मिलेगा रिजल्ट के अंदर। सबसे बड़ी बात है कि जो इनका होलसेल मार्केट है जगुआर लैंडलॉर्ड का, वो भी उसके टोटल सेल्स में काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है, और इंडिया का ऑपरेशन देखें तो करीब 2.52 लाख यूनिट के आसपास रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो इसमें 10.4% की वृद्धि देखने को मिल रही है। JLR सेल्स की बात करें यहाँ पर भी करीब 1.808 लाख के यूनिट के आसपास रहा है, जहाँ पे 16.6% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसमें चाइना का बाजार भी शामिल है। ICICI सिक्योरिटीज का कहना है कि टाटा मोटर का जो रिपोर्ट जो नेट सेल्स है वो 1.06 ट्रिलियन रुपीज़ से बढ़ हो सकता है इस बार, जिसमें 20% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एबिटा वृद्धि देखने को मिल सकती है, और एबिटा कंपनी का 13,664 के बीच के आसपास रह सकता है। ICICI सिक्योरिटीज का कहना है कि कंपनी इस बार प्रॉफिट 2,269 के बीच का बता सकती है, जो काफ़ी अच्छी बात है। साथ में यहाँ पे देख सकते हो कि 6 साल के बाद कंपनी पहली बार डिविडेंड देने जा रही है, और ये बहुत बड़ी बात है, इस बार डिविडेंड भी कंपनी देगी, और आप ये समझ सकते हो कि टाटा मोटर्स में तेजी का दौर शुरू हो चुका है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह ये भी है कि कंपनी IPO लाने जा रही है, टाटा मोटर्स की जो सब्सिडियरी कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजी, उसका IPO आने जा रहा है। और अब ये देखो टाटा का घराना जो 20 साल के बाद दूसरा IPO लेके आ रहा है, इससे पहले TCS का IPO आया था और उसके बाद 20 साल का समय लग गया, 20 साल के बाद फिर से एक नया IPO आ रहा है, और इसके लिए SEBI के पास उसके सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे। ये इशू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा, यानी ऑफर्स होगा, और इसमें एक भी नया शेयर जारी नहीं किया जाएगा। इसमें प्रमोटर टाटा मोटर्स के अलावा दो अन्य मौजूदा शेयर होल्डर की अपनी जो शेयर है वो बिक्री करेंगे। टाटा ग्रुप इस IPO के आने के 8 वर्ष से ही टाटा मोटर्स के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है, और ऑल टाइम हाई के आसपास गया स्टॉक। सबसे जो बड़ी गौर करने वाली बात है कि टाटा टेक्नोलॉजी में टाटा मोटर्स की कुल हिस्सेदारी 74.69% के आसपास थी, और अल्फा TC होल्डिंग PTI टाटा और कैपिटल ग्रोथ के पास क्रमशः 7.26% और 3.69% की हिस्सेदारी है, और कंपनी ने जब से SEBI के पास IPO के लिए दस्तावेज में जमा किया उसके बाद से ही टाटा मोटर्स के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है, और ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये मौका बिल्कुल है खरीदारी का, एक नज़रिया लॉन्ग टर्म का लेके इस समय टाटा मोटर्स में निवेश किया जा सकता है। अब जैसे कि क्वार्टर फोर आने वाले, इसके पहले अगर हम देखें तो दिसंबर 2021 में इनका रेवेन्यू 72,229 के बीच के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 88,489 के बीच के आसपास पहुंचा, तो पिछले एक साल में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2021 में कंपनी को 1,516 करोड़ का लॉस था, लेकिन दिसंबर 2022 में कंपनी ने 2,958 के बीच का शानदार प्रॉफिट कमाया, तो कंपनी पिछले 6 क्वार्टर के बाद पहली बार प्रॉफिट में भी आई है, तो ऐसे में ये स्टॉक कमाल कर सकता है, और कल के इंतजार रिजल्ट का करना होगा, और रिजल्ट के बाद उस स्टॉक को रिजल्ट में अच्छे से हम रिजल्ट को भी एनालिस करेंगे। चलते हैं टाटा पावर की तरफ। 206 पर स्टॉक है, जहाँ पे 1% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। अब आप देख सकते हो कि टाटा पावर बहुत ही मजबूत है, और शेर खान ने यहाँ पे इसमें टाटा पावर को लेकर खरीदारी की सलाह दी है। यहाँ पे शेर खान का कहना है कि टाटा पावर ने पावर की तरफ से जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बताया है वो 778 रुपीज़ के आसपास, जहाँ पे 54% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है, और ये जो एस्टिमेट लगाया गया था उसी के अंदाज के आसपास रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का जो सोलर EPC का बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, ऑफशोर लोअर प्रॉफिट साम जो इसके हिसाब से JV का जो बिजनेस है उसके हिसाब से टाटा जो प्रोजेक्ट है लोअर कोल प्रोफाइल की वजह से भी इसका बेनिफिट देखने को मिला, और जो प्रोविजन है शिपिंग कॉस्ट का 200 करोड़ उसकी वजह से भी इनको कुल मिला के बेनिफिट देखने को मिलेगा, कोल प्रॉफिट इसके अलावा सोलर EPC का मार्जिन, ये सब मिलके इस बार बिजनेस काफ़ी अच्छा गति दिखा चुका है। कंपनी की सोलर EPC ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, जो करीब देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 13% की वृद्धि दिखा रही है। आप देख सकते हैं कि जो सोलर EPC ऑर्डर बुक इस समय 17,468 करोड़ के आसपास है। कंपनी के सोलर रूफटॉप के ऑर्डर बुक की बात करो करीब 1,093 करोड़ के आसपास है। कंपनी का नेट डेट डिक्लाइन हुआ है करीब 7% के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो 35,328 करोड़ के आसपास है मार्च 2023 में। तो कुल मिला के सेहत काफ़ी ज़्यादा सुधर चुकी है। इसके अलावा अगर आप इसके रिजल्ट को देखें ईयर ऑन बेसिस तो लगातार कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 29,881 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो 2023 आते आते बढ़ के 55,109 करोड़ तक पहुँच गया। जबरदस्त वृद्धि हुई है पिछले एक साल में रेवेन्यू में। प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में
2,326 करोड़ का टोटल प्रॉफिट था, जो 2021 में गिर के देखे तो 1,127 करोड़ तक आ गया। उसके बाद लगातार फिर से बढ़ना शुरू हुआ तो 2023 में 3,336 करोड़ तक पहुंच गया। यानी 2020 के बाद कोविड काल के बाद लगातार प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो चुका है और ये काफ़ी अच्छी बात है। यानी कंपनी लगातार हर साल बहुत अच्छा प्रॉफिट बता रही है और ऐसे में हम विश्वास कर सकते हैं स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है और आने वाले समय में वैसे भी कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। तो बिल्कुल ये मौका है टाटा पावर में निवेश करने का और यह ऊपरी प्राइस से इस समय लगभग आप देख सकते हो कि 90 रुपीज़ कम मिल रहा है, तो दाव लगाया जा सकता है। अब हम चलते हैं वीर कृपा ज्वेलर्स लिमिटेड की तरफ। 74.50 पर स्टॉक है जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा, लेकिन स्टॉक ने जबरदस्त रिटर्न भी दिया। पिछले एक साल में करीब 190% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। 25 का स्टॉक इस समय 75 के आसपास है और आप देख सकते हो कंपनी अब यहाँ पे बोनस और स्प्लिट दोनों ही देने जा रही है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी 2-3 के रेशो में बोनस देने जा रही है। इसके अलावा कंपनी स्प्लिट भी करने जा रही है शेयर, यानी फेस वैल्यू जिसकी 10 है उसको 1 रुपये में बदला जा रहा है। यानी आपके लिए एक तरह से ये जैकपॉट साबित हो सकता है, बोनस और स्प्लिट दोनों का ही मौका मिलेगा। तो अभी 16 तारीख इसकी आप देख दो रिकॉर्ड डेट है, उसके पहले आप शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं, तो बिल्कुल आपको फायदा हो जाएगा इसका और ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो दाव आपको लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।